हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। ये घटना यूपी के बलिया के महाकालपुर की। यहाँ पे बीजेपी के एक नेता हैं भानु दुबे, उन्हीं के बच्चे का बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन चल रहा था। स्टेज पे गाना बजाने का प्रोग्राम चल रहा था और एक भोजपुरी गायक जो है वहाँ स्टेज पे गाना गा रहा था। उसी वक्त 7-8 लोग खुश होकर हवाओं में गोली चला रहे थे, जिसमें से 2 गोली ये सिंगर को जाके लग गई। एक गोली उसके पेट में लगी, दूसरी गोली उसके हाथ में लगी, हाथ की हड्डी टूट गई। बाद में इसको इलाज के लिए बनारस भेज दिया गया। थाना गढ़वार अंतर्गत ग्राम महाकालपुर में भानु दुबे द्वारा अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर उनके द्वारा गोलू राजा गायक को बुलाया गया था। कार्यक्रम चल रहा था, देर रात किसी ने उस कार्यक्रम के दौरान ही फायरिंग कर दिया, जिससे गोलू राजा को गोली लग गई। वो यहाँ से बक्सर चले गए थे। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि उनकी स्थिति ठीक है, उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और पेट में गोली चली गई है, बातचीत कर रहे हैं। उन्हें वाराणसी उपचार के लिए भेजा गया है और साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही समुचित रूप से की जा रही है। पुलिस वहां आई, जांच पड़ताल की कि किसके पिस्टल से गोली निकली है, लेकिन ये तो पता चल गया कि पिस्टल जो था वो लाइसेंस वाला पिस्टल था, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसके पिस्टल से चली वो पता नहीं चला है और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारे हाई प्रोफाइल पार्टियां होती हैं बड़े लोगों की, तो बातें ऐसे ही दब जाती हैं। यूपी में ऐसी पार्टियां बहुत आम हैं। लोग जनरली फार्म हाउस पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। जब खुश हो जाते हैं तो खाना पीना सब चलता है, उसके साथ साथ सबके पॉकेट में एक गन होता है। ज़्यादातर लोग लाइसेंस वाले गन भी लेके चलते हैं और हवाओं में गोली चलाते हैं। तो कभी कभी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटना भी हो जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।